आज हम पढ़ने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। हम इससे रिलेटेड डेरिवेशंस भी दिखेंगे और कॉन्सेप्ट इसका मेन देखेंगे। कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है पहले वो समझे। जैसे कि सपोज मेरे हाथ में ये है, आप देखिए, इसको बोल दिया हमने कुछ ऐसा, इसका नाम हमने दे दिया कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का मतलब होता है कौन जैसा बनना चाहिए। जैसे हमने इसको यहाँ फिक्स कर लिए, आप लोग भी अपने घर में करते होंगे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, आप ऐसा कीजिए, देखिए ये कोन के शेप में फॉर्म हो रहा है। देखिए, दिख रहा है आपको कोन के शेप में फॉर्म हो रहा है। ऊपर में हमारा फिक्स्ड है, एक पॉइंट फिक्स्ड है, बट ये चारों तरफ रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट हो रहा है तो जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है नीचे का ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रिंग एक एंगल पे है वर्टिकल के साथ। इसी टाइप से जो शेप फॉर्म होता है वो एक कोन के तरह होता है, इसीलिए इस पेंडुलम का नाम है, क्या नाम है, कोनिकल पेंडुलम। इसको हम अगर डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट हो रहा है। कौन से सर्किल में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट हो रहा है। और ये जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है वो वर्टिकली एक पॉइंट पे जा करके फिक्स्ड है, और स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। देखिए, जब ये जा रहा है, जब ये पर्टिकुलर एंगल पे है तो ये वर्टिकल के साथ एक एंगल पे है। अगर हम इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें तो ऐसा दिखेगा। सपोज ये एंड फिक्स्ड है, एक ऑब्जेक्ट था जो यहाँ था, बट हमने उसको घुमाने की कोशिश की तो जो ऑब्जेक्ट घूमेगा वो इस प्लेन में घूमेगा, इस प्लेन में घूमेगा, ऐसे घूमेगा। समझ रहे बातें? ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका मास m है, हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल को सपोज हम कहते हैं थीटा, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। और ये जिस सर्कुलर प्लेन में है, उस सर्कुलर प्लेन की बात करें तो सपोज इस सर्कल का रेडियस को हमने मानते हैं आर, जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ मानते हैं एल। कोई दिक्कत आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब हम बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये मास m है तो इस पे एक काम करेगा, उसको बोलेंगे क्या, वेट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? mg। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसमें काम करेगा एक टेंशन। मैं यहाँ पे एक डायग्राम, एक लाइन खड़ा करता हूँ, ये इस वर्टिकल के साथ पैरेलल है तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए? थीटा, बिल्कुल सही। और अगर ये थीटा है तो इस t का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो होगा क्या, t cos थीटा। और एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा, ये होगा t sin थीटा। और अगर बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो ये ऑब्जेक्ट एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, बट इसका वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। और अगर वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फोर्स बैलेंस रहेगा, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। और उस हिसाब से देखें तो ये टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, एम जी हो जाना चाहिए। मतलब हम इक्वेशन लिखते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरी की बात करते हैं, जैसे कि ये सर्कुलर मोशन में है और टुवर्ड सेंटर जो फोर्स है वो कितना है, टी साइन थीटा। कौन सा फोर्स है? टी साइन थीटा। और आपको मालूम है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है तो उसमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है उसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ टी साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको हम इक्वेशन नंबर टू कहते हैं। और अगर मैं इस दोनों को डिवाइड करूं तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है, टी टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इक्वल टू एम एम कैंसिल हो गया, ऊपर बचा वी स्क्वायर, नीचे बचा आर इंटू जी, ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी। और अगर वी स्क्वायर की बात करें तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर जी टेन थीटा। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब लेकिन हमारा उद्देश्य वेलोसिटी निकालना नहीं है क्योंकि ये पूछता भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारा गोल है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसकी वेलोसिटी और उसके एंगुलर स्पीड में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड में रिलेशन, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, मतलब वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस साइड लिखने की कोशिश करूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर जी टेन थीटा। ये जो आर है मतलब यहाँ पे का रेडियस हमने स्मॉल आर माने, इसलिए स्मॉल आर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर जी टेन थीटा।
एक आर यहां से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर, ओमेगा बोले तो 2 पाई बाय टी, ये हो गया 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इक्वल टू जी टेन थीटा बाय आर। और अगर मैं इधर से स्क्वायर हटा बाय टी इक्वल टू इस साइड रूट आ जाएगा और ये हो जाएगा जी टेन थीटा बाय आर। बहुत अच्छी बात, इसको पलटे तो टी मल्टीप्लाई करेंगे टी बाय टू पाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा, मतलब टी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब ये आपको आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये आर के टर्म में नहीं रहेगा, उसमें आपको एल के टर्म में रहेगा, तो एल के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, इस इक्वेशन को एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए हम करते हैं कन्वर्ट, इक्वल टू टू पाई अंडर रूट यहां से लेकर के यहां तक क्या है एल है और इसको हमने क्या बोले आर, ये है थीटा। सीधा सीधा आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये अगर ये एल है ये आर है तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर इस एल साइन थीटा को आर की जगह रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और टेन थीटा को मैं करता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो ऊपर चला गया, ये हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट डालें और जब भी इसका यूज होगा तो आप इसको करेंगे और इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाय जी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का, बट यहाँ अप्रोक्सीमेशन भी लगता है। कैसे, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो थीटा बहुत स्मॉल हो, अगर हम इधर लिखने की कोशिश करें इफ थीटा इज टू स्मॉल मतलब टेंस टू जीरो, तो आपको पता है थोड़ी बहुत लिमिट तो आती होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको वन, और तो उस सिचुएशन में टाइम इक्वल टू हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एल बाय जी। और ये आपको पता है ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम होगा फॉर स्मॉल एंगल थीटा के लिए। थीटा की वैल्यू जब छोटी होगी तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या लिखेंगे टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाय जी कॉस थीटा। यहाँ से कुछ लॉ हम इससे देख सकते हैं, टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कोनिकल पेंडुलम से, पूछा जाता है कि टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब ये एल और जी चेंज हो सकता है, किस किस चीज़ पे चेंज हो सकता है थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इसमें टेम्परेचर देना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर जब देंगे ये गर्म होगा, गर्म होगा तो इसके बीच का मॉलिक्यूल से एक दूसरे से डिस्टेंस बनाएंगे और जिसके चक्कर में ये ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब इसका लेंथ चेंज हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा और अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब कोनिकल पेंडुलम में टेम्परेचर के इंक्रीज कराने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। उसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, मतलब ये हुआ कि अगर कोनिकल पेंडुलम को हम लिफ्ट में लेकर के चले जाएं और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए एक्सलरेट होकर के, तो उस सिचुएशन में सूडो फोर्स लगने के वजह से जी का वैल्यू चेंज होगा, या तो वो जी प्लस ए हो जाएगा या वो जी माइनस ए हो जाएगा, और दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। उसके बाद अगर सिंपल पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम को हम अर्थ सर्फेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाए तो उस हाइट के लेके जाने के बाद उसकी जी की वैल्यू चेंज होगी और उस सिचुएशन में भी टाइम पीरियड चेंज होगा, जमा कि नहीं जमा, जम गया, चलिए ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था कोनिकल पेंडुलम, फिर आगे के लिए दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।